जाए, एक नहीं भूखंड का परिवेश देखता रह जाए। किसानों ने बात की है और मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, प्रदेश की आपके द्वारा छात्र जीवन से ही राजनीति में विशेष रुचि रखने के कारण प्रथम पर्याय में ही साइड। जैसे कि आपने बताया कि कोरोना में भी उन्होंने विषम स्थितियों में समाज की सेवा। उत्साहवर्धन करें प्रथम कमांडर, द्वितीय कमांडर लीड करते हुए और प्रथम टोली ट्रैफिक पुलिस श्री गंगा शरण शर्मा उप निरीक्षक यातायात लीड करते हुए इस टोली को केसरिया पटके में। द्वितीय टोली है सीईआर की टोली, इस टोली को कमांड कर रहे हैं श्री इंद्र सेन नागरिक पुलिस। सफेद पटके में सफेद रंग जो कि राष्ट्र की शांति, शुद्धता और ईमानदारी को प्रदर्शित करता है। तृतीय टोली सशस्त्र पुलिस श्री विकास तोमर उप निरीक्षक। चौथी टोली को कमांड कर रहे हैं श्री पुष्पेंद्र कुमार। पीला रंग इन्होंने धारण किया हुआ है जो असीम ज्ञान को प्रकट करने वाला पीला रंग। पंचम टोली पुलिस कार्यालय श्री कृष्ण सांगवान उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। छठी टोली पीएसी प्लाटून श्री पाती राम प्लाटून कमांडर, बहुत ही खूबसूरत वेशभूषा में यह प्लाटून। सातवीं टोली महिला पुलिस की टोली है जिसको नेतृत्व कर रही है महिला उप निरीक्षक श्रीमती सुरभि तोमर, इन्होंने लाल पटका धारण किया हुआ है ऊर्जा का प्रतीक। और उसके बाद हमारा मोटरसाइकिल दल, मोटरसाइकिल दस्ता जिसको लीड कर रहे हैं संजीव कुमार उप निरीक्षक। ये सायरन जब बजता है लोगों के दिलों में एक साहस आ जाता है कि हाँ हम हमारा समर्थन कर रहा है। उसके बाद वायरलेस आरएसआई श्री मनोज कुमार सारे सूचना प्रदान करने वाला। कमांडो एसओजी मुख्य आरक्षी अमरदीप, ये कमांडोस जब दिखाई देते हैं मन में संतोष आ जाता है कि हम सुरक्षित हैं। एंटी रोमियो की टीम महिला मुख्य आरक्षी जागेश कुमारी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन की प्राथमिकता के साथ खेली यूनिट विज्ञान प्रयोगशाला वाहन प्रेम पाल धामा के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड मुख्य आरक्षी संजय कुमार। टायर 112 बोलेरो सेकेंड मुख्य आरक्षी श्री हरमेंद्र सिंह। 245 योगेश कुमार के साथ में केवल झगड़े में मारपीट में नहीं बल्कि किसी भी आपात स्थिति में हमेशा सज लोगों की सहायता को तत्पर। वज्रवाहन पुलिस शक्ति के प्रतीक के रूप में उप निरीक्षक श्री जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व। फायर सर्विस अलका वाहन उप निरीक्षक श्री ऋषभ पवार। बड़ी गाड़ी नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी श्री विनोद कुमार। जब भी कोई अकस्मात घटना सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद। चेतना अयोध्या के रूप में एक भव्य आयोजन के रूप में पूरे विश्व ने देखी, जो आस्थाएं हैं इस देश की, चिति है, प्रकृति है, उसका एक भव्य और दिव्य रूप अयोध्या में देखा है। आस्थाओं का सैलाब और अपनी अस्मिता के लिए जो भाव 22 तारीख को पूरे देश में देखा, वह अद्भुत करने वाला था। ऐसे साय में हम ये 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। पूरा देश और प्रदेश नए तेवर और नए कलेवर के साथ खड़ा है। 2014 से पहले का देश और 2017 के पहले का प्रदेश, हम सब जानते हैं। उस समय भी एक कुहासा था, धुंध थी, इस देश का क्या होगा, इस प्रदेश का क्या होगा, लेकिन धुंध छटी, कोहरा हटा और जिस कानून व्यवस्था के नाम पर पूरा प्रदेश देश में नहीं विदेश में भी एक अच्छी राय नहीं रखता था प्रदेश के लिए लोग, वो आज बिल्कुल कलेवर बदल गए हैं, उसके तेवर बदल गए। एक समय था इस प्रदेश में जब माफिया अपने काफिले के साथ निकलता था तो लोग डर के मारे घरों में घुस जाते, और आज इस पुलिस बल के पीछे जब राजनीतिक ताकत खड़ी हुई है, विल पावर खड़ी हुई है, पॉलिटिकल विल पावर, तो यही पुलिस बल ने वो स्थिति कर दी है कि जब माफिया निकलता है तो लोग घरों से निकलकर उसके चेहरे का खौफ देखते हैं। इतना बड़ा बदलाव आया है इस प्रदेश में। तो जब पॉलिटिकल विल पावर पुलिस को मिलती है तो आमूलचूल परिवर्तन वातावरण में हो सकता है। श्रीमान एसआई कृष्ण कमांडर, तालियां बजाकर हमारे जोरदार तालियां हमारे इन सभी सम्मान प्राप्तकर्ता शूरवीरों के लिए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर सेवा विलेख के आधार पर भारत सरकार द्वारा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किया गया है। यस मैम, बाद में प्रदान किया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा सेवा अभिलेख के आधार पर प्रशंसा चिन्ह श्री शेर सिंह नागरिक वीरों का। बस पुलिस महानिदेशक द्वारा सेवा विलेख के आधार पर सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह मुख्य आरक्षी सार्वजनिक पुलिस श्री लोकेश कुमार पुलिस लाइन सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह थाना मिर्जापुर श्री सन्नी राणा थाना कुतुबशेर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित ये सभी पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल 586 श्री राजीव कुमार थाना मेहर 253 मनोज कुमार थाना देवबन भैया भैया कांस्टेबल 1323 कुलदीप कुमार थाना बेहट महिला कांस्टेबल 1241 संगीता मॉनिटरिंग सेल श्री नीरज कुमार कार्यालय वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेल इंद्र कुमार कुमार जो स्वैट टीम है द्वारा सेवा विलेख के आधार पर प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया है और श्री दीपक कुमार जो स्वैट टीम में है फिलहाल ड्यूटी में रहे उनको बाद में प्रदान किया जाएगा। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थान ग्रहण करने के लिए यहाँ पर सहारनपुर की पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम हुआ है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड वाकई देखने लायक थी और इस ठंड में जो उत्साह था पुलिस सर्विस में जुड़े हुए लोगों का बच्चों का वह निश्चित रूप से प्रेरणा भी दे रहा था और आज के इस पावन पर्व पर पुनः आपके माध्यम से बधाई देना चाहिए। मंत्री जी आपने अभी मंच से बोला है कि प्रदेश को अवैध कब्जा मुक्त किया जा रहा है अपराध मुक्त बनाया जा रहा है लेकिन आगरा में आप पर भी आरोप लगे हैं कि करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे में उसका भी आपने सुन लिया होगा कि आरोप गलत जी हर कोई आरोप लगा दिया अखबार ने छाप दिया मुझे ऐतराज इस बात का है जी क्या आपका क्या कहना है तथ्यहीन और आधारहीन आरोप थे